महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में यूनिवर्सिटी कैंपस सहित शहर के जीसीए डीएवी विधि कॉलेजों के छात्र नेताओं ने पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए जमकर हंगामा मचाया। एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गोदारा, पूर्व अध्यक्ष मोहित जैन व पूर्व अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान के नेतृत्व में शहर के विभिन्न कॉलेजों के छात्र नेताओं ने मेन गेट से नारेबाजी करते हुए कुलपति सचिवालय का लगभग 2 घंटे तक घेराव कर लिया। सिविल लाइन्स थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ यूनिवर्सिटी में मोर्चा संभाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 26 तारीख को इलेक्शन की घोषणा करी थी और उन्होंने ट्वीट करा था कि सभी छात्र हितों को देख के हम जो चुनाव कराया जा रहा है, जबकि वो जो उनका जो दावा था वो बिल्कुल थोतला साबित हुआ है, क्योंकि जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के नेताओं को, राजस्थान यूनिवर्सिटी के शेय को लेकर, मतलब सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो निर्णय लिए थे वो मतलब पूरे राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों पर थोपना चाह रहे हैं। तो हमने विश्वविद्यालय से हम मांग करिए कि आप ही बोम की मीटिंग करके अपने नियम तय करें, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय की परिस्थितियां अलग है, एमडीएस विश्वविद्यालय की परिस्थितियां अलग है, उनको देखते हैं। और बिल्कुल सरकार को हम बिल्कुल चेतावना चाहते हैं कि जो कॉलेज निदेशालय आयुक्तालय से जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है छात्रों के साथ, एक तरफ से तो एमडीएस विश्वविद्यालय के यूजी के छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से पीजी के एडमिशन बंद किए जा रहे हैं। मतलब इसीलिए ये हो रहा है क्योंकि एमडीएस विश्वविद्यालय जो बाकी यूनिवर्सिटी से काफी पीछे है, कई एग्जामों के रिजल्ट आने बाकी है, एग्जाम होने बाकी है, 26 तारीख को इलेक्शन है, उस दिन भी कई एग्जाम है, उसको मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार से बिल्कुल मांग करते हैं और विशेषकर स्पष्ट रूप से चेताना चाहते हैं कि यदि छात्रों के मांग नहीं मानी गई, उनको प्रोविजनल एडमिशन नहीं दिए गए, तो मतलब ये 26 तारीख को इलेक्शन के हम बहिष्कार करते हैं। आज हमने छात्र संघ चुनाव में जो छात्र संघ प्रत्याशी जो भाग नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हमने मांग रखी है, हमने आज अर्धांकर होकर प्रदर्शन किया है। हमारी सरकार से और विशेष साहब से ही मांगे कि छात्र संघ चुनाव में पहले तो प्रवेश प्रक्रिया चालू की जाए, पीजी में प्रवेश दिया जाए। 16-17 तारीख 2 दिन बचे हैं, क्योंकि 15 अगस्त तक छुट्टियां चल रही है, 16-17 2 दिन बचे हैं, उसमें एडमिशन कैसे लेंगे। हमारी ये मांग है कि जितने भी छात्र संघ प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको एडमिशन दिया जाए ताकि वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि सभी छात्र प्रत्याशियों ने 2-2, 3-3 साल वेट किया है, उनके कोरोना की वजह से 2-2 साल में ना उनको छूट दी गई, 2 वर्ष की छूट भी दी जानी चाहिए। जैसे हर सरकार भर्ती में 2 साल की छूट दे रही है तो इसमें क्यों नहीं दे रही है, छात्र संघ चुनाव में भी डेट दी जानी चाहिए। हमारी सरकार से ही मांगे कि अभी हमारे प्रशासन से ही बात हुई है, बीजी साहब 15 तारीख को आएंगे, 15 तारीख को मीटिंग लेंगे और उसी दिन हम चारों जिले से अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा चारों जिले से यहाँ छात्र आएंगे और यहाँ पे इकट्ठे होंगे, जो जो प्रत्याशी उनके समर्थक सब आएंगे। हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे छात्र प्रत्याशियों के प्रवेश नहीं हो जाए, साथ में उनके साथियों के प्रवेश नहीं हो जाए। यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर जीसीए डीएवी एमडीएस यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ कॉलेज के छात्र नेताओं ने सभी के नेतृत्व में, या किसी का नेतृत्व नहीं है, किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं है, सभी के नेतृत्व के अंदर यहाँ प्रदर्शन किया, धरना दिया। 2 घंटे तक हम लोगों ने कुलपति सचिवालय को जाम करके रखा और हमारी मांग है पीजी के अंदर प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए, उन सभी छात्रों को मतदाता बनाया जाए और उन सभी छात्रों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री खुद बीए पास और पीजी का निर्णय तय कर रहे हैं, इतनी शर्म की बात है। कांग्रेस के अंदर इतने नकारा लोगों को मंत्री बना रखा है, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव खुद बीए पास है, उस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि पीजी के अंदर एडमिशन की प्रोसेस कैसे होगी। मेरी सरकार से ये मांग है, कुलपति महोदय से मांग है, 19-4 के अंदर कुलपति अपनी विशेष पावर के अंदर एमडीएस यूनिवर्सिटी के 4 जिलों के अंदर आने वाले पीजी महाविद्यालयों के अंदर इन छात्रों को प्रवेश दे, वोटर बनाए और जल्द से जल्द इनको चुनाव लड़ने की अनुमति दे। राजस्थान विश्वविद्यालय के ऊपर टिके रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, विश्वविद्यालय अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है। हमारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, अधिकारियों से बात हुई है, ये 15 अगस्त को बीसी साहब को आने का हवाला कह रहे हैं। हम नहीं चाहते स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में किसी प्रकार की खलल डले, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, चारों जिले के विद्यार्थियों को पीजी परीक्षा के अंदर कक्षाओं के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, कुलपति को बीसी के घर के अंदर नहीं घुसने देंगे और बीसी के घर के बाहर सभी छात्र शक्ति यहाँ पर धरना देगी, प्रदर्शन करेगी, जिसके लिए कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन और अशोक गहलोत की सरकार जिम्मेदार रहेगी।